देखिए ट्रांसलेशन है, चलिए आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि 2014 के पायलट सेट में आया। भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है, तो चलिए इसका जो है जो लोग बनाया हो मिला लो, नहीं तो लिख लो तत्काल। भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है, तो हो जाएगा तो द नेचुरल स्ट्रक्चर। प्राकृतिक बनावट कहीं नहीं होती है, नेचुरल स्ट्रक्चर माने बनावट या ढांचा ऑफ इंडिया। भारतवर्ष मतलब भारत, द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रेंज। इज वेरी स्ट्रेंज माने होता विचित्र, इज वेरी स्ट्रेंज कर दो या इज स्ट्रेंज भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, विचित्र है मतलब बड़ी विचित्र है। क्लियर, इज वेरी स्ट्रेंज। क्लियर, दूसरा वाक्य, हमारी मातृभूमि के सिर पर हिम किरीट है। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे देयर, ठीक है, देयर इज हिम किरीट की अंग्रेजी होती है हिम स्नो क्राउन। स्नो माने बर्फ या हिम, एक ही चीज़ है। स्नो क्राउन, हाँ वही बर्फ का ताज, स्नो क्राउन, हाँ सी आर ओ डब्ल्यू एन, स्नो क्राउन। अगर आप भूल जाना हिम किरीट की अंग्रेजी तो द हिमालय आज लिख देना, हिमालय को ही स्नो क्राउन कहा गया है, हिमकिरीट कहा गया है। क्लियर, तो आप हिमालय से भी काम चला लेना, चल जाएगा भी। क्लियर, वही हिमालय है तो जान लीजिए हिमकिरीट है। क्लियर, हिम का ताज उसको कहा गया। क्लियर, तो आप स्नो क्राउन लिख दो या द हिमालय लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो देर इज स्नो क्राउन या द हिमालय। क्लियर, तो ऑन द हेड ऑफ आवर मदरलैंड, ऑन द हेड ऑफ आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के, ठीक है, हेड मंदिर सिर पर, ऑन द हेड ऑफ आवर मदरलैंड, हो गया। अब देखिए, अंगों पर घने जंगलों के हरे बस्ते हैं। अब यहाँ अंगो है ना, ये सेमी कॉलन लगाया था, आप सेमी कॉलन लगा दो या तो वहाँ एंड लगा के आप जोड़ दो, क्योंकि जोड़कर एक बात और बता रहे हो ना, एंड करके जोड़ दो या सेमी कॉलन ही लगा दो। ग्रीन क्लॉथेज एंड ग्रीन क्लॉथेज, आप एंड करके जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा है हिंदी, हम सेमी कॉलन से काम चला दी, यहाँ जोड़ के बताओगे। एंड अब यहाँ लिखो ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन क्लॉथेज हरे वस्त्र के, क्योंकि एक बात और इसमें आपको बताना ना, तो एंड ग्रीन क्लॉथेज ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के हरे वस्त्र है ना, ग्रीन क्लॉथेज आप ऐसे करो, फॉरेस्ट करने का मतलब ऐसे कर दो, डेंस फॉरेस्ट, डेंस माने होता घने, एंड ग्रीन क्लॉथेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट, डेंस माने होता घना, डेंस फॉरेस्ट कहाँ, ऑन द ऑर्गन्स, अंगों पर कहीं होगा ऑन द ऑर्गन्स, फिर से देख लो, एंड ग्रीन क्लॉथेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑन द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स माने होता अंग, ए आर ओ आर जी ए एन एस, ओ आर जी ए एन एस, किसी चीज़ का ऑर्गन्स मतलब अंग होना। क्लियर, लिख सकते हो पार्ट्स, लेकिन यहाँ ऑर्गन्स बेटर होगा। क्लियर, ऑर्गन्स इज ए बेटर, ठीक है वर्ड। अब देखिए आगे, सिंधु गंगा, अब यहाँ कुछ नदियों का नाम लिखना, आप लिख लो, द लगा दो सभी नदियों के पहले, द इंडस, अभी बताया था सिंधु की अंग्रेजी द इंडस, अगर इंडस भूल जाना तो आप सिंधु भी लिख देना चलता है, वो भी एस आई एन डी एच यू, वो भी गलत नहीं होगा आपका। क्लियर, द इंडस आई एन डी यू एस, अभी आपको बताया गया था इंडस इज ए लॉन्ग रिवर ना, वही आपको सिंटैक्स में तीसरा वाक्य था। क्लियर, तो द इंडस, हाँ इसके पहले जो बताया गया था वीडियो उसमें बताया गया था, द इंडस आई एन डी यू एस, इंडस माने होता है सिंधु नदी। क्लियर, द इंडस आई एन डी यू एस, भूल जाना तो सिंधु ही लिख देना, टेंशन ना लेना, चलता वो भी, ठीक है। द इंडस कामा द गंगा द यमुना, नदियों का नाम है लिखते चले जाओ द लगा के, सभी के बाद काम लगा, द यमुना द नर्मदा, एन ए आर एम ए डी ए रहेगा नर्मदा में, एन ए आर एम ए डी ए, द नर्मदा, कावेरी द कावेरी, के ए वी ई आर आई, के ए वी ई आर आई, कावेरी, ठीक है, गोदावरी,
कामा GODAVARI गोदावरी, ठीक है। ETC हाँ, असंख्य नदियाँ, इन न्यूमरेबल लिख लो या काउंटलेस लिख लो, इन न्यूमरेबल IWNU इन न्यू मरेबल MERABLE इन न्यूमरेबल काउंटलेस लिख लो, इन न्यूमरेबल ना लिख पाओ COUNTLE काउंटलेस भी सही है या इन न्यूमरेबल माने असंख्य, क्लियर। IWNU MERABLE रिवर्स, इसकी गोद में खेल रही हैं, आर प्लेइंग, क्योंकि कई नदियां हैं तो आप आर लगा दो, आर प्लेइंग, ठीक है। इन इट्स लैप, गोद की अंग्रेजी होती है लैप, LAP, इन इट्स लैप, LAP लैप मींस होता गोद, क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं, सोने की लंका, इसके चरण प्रदेश में कमल की भात चिर प्रस्फुटित है, तो द लंका ऑफ गोल्ड कह दो या द गोल्डन लंका कह दो चल जाएगा, क्लियर। द लंका ऑफ गोल्ड माने सोने की लंका, इसके चरण प्रदेश में, तो इस, ठीक है, कमल की भात, ठीक है, चिर स्फुटित है, द लंका ऑफ गोल्ड, क्लियर। इज सोने की लंका, हाँ, क्या चिर प्रस्फुटित है, तो लिख लिया इज ब्लूमिंग लाइक लोटस माने कमल की भात चिर प्रस्फुटित है, मतलब वो खिल रही है, क्लियर। BLOOMING ब्लूमिंग माने चिर प्रस्फुटित होना या खिलना, ठीक है, चिर प्रस्फुटित मतलब वही, यहाँ ब्लूमिंग होगा, क्लियर। इज ब्लूमिंग लाइक लोटस कमल की भात, मतलब लाइक इज ब्लूमिंग लाइक लोटस माने होता है कमल की भात चिर प्रस्फुटित होना, जैसे कमल खिलता है उसी तरह से ये भी बताया जा रहा है सिमिली का प्रयोग। इज ब्लूमिंग BLOOMING लाइक लोटस, लोटस मतलब कमल होता है, लिख लिया। उसके बाद जो है इसके चरण प्रदेश में, इसकी भी अंग्रेजी इन हर फीट, चरण प्रदेश में मतलब उसके पैरों में, क्लियर। इन हर फीट, फीट माने चरण कहो या चरण प्रदेश कहो, अलग से प्रदेश की अंग्रेजी नहीं लिखना, क्लियर। वो मतलब अलंकारिक भाषा है तो चरण को ही चरण प्रदेश मान लिया गया, ठीक ना। आगे उत्तर में पर्वतराज हिमालय, क्लियर, पूर्व और पश्चिम की ओर अपना दोनों बांह फैलाए हमें अभयदान, ठीक है, दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर्वतराज हिमालय सब किसके बारे में बात कर रहा है, पर्वतराज राज हिमालय, तो पहले इसको लिख लो सब्जेक्ट के रूप में, लिखो द किंग ऑफ माउंटेंस, पर्वतराज हिमालय का मतलब होगा द किंग ऑफ माउंटेंस, पर्वतों का राजा उसको कहते हैं, ठीक है ना। पर्वतराज का मतलब जैसे ऋतुराज का मतलब द किंग ऑफ, हाँ, स्प्रिंग बसंत को कहते हैं, तो द किंग ऑफ माउंटेंस माना था पर्वतराज, पर्वतों का राजा नहीं पर्वतराज। उसके बाद कामा करके लिख लो द हिमालयाज, ठीक है, वो उसकी पोजीशन बताया जा रहा है ना, पर्वतराज कौन, द हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद लिख दो इन द नॉर्थ, उत्तर में, इन द, हाँ तो करें कि, हाँ लिख लिए द किंग ऑफ माउंटेन इन, ठीक है, फिर कामा करके द हिमालयाज इन द नॉर्थ, उत्तर में। उसके बाद आप लिख दो, वो हो गया उत्तर में पर्वतराज हिमालय। उसके बाद आप लिखोगे, ठीक है, तो उसके बाद लिख दो कामा लगा दो इन द नॉर्थ के बाद थोड़ा, क्योंकि बीच में नई इन्फॉर्मेशन डाले हो, उसका पोजीशन क्लियर की हो ना। उसके बाद लिखो आप इज स्प्रेडिंग मतलब अपनी बाहों को फैलाए हुए, मतलब फैलाए, इज स्प्रेडिंग, ठीक है, इट्स बोथ आर्म्स, अपने दोहों पर दोनों बाहों को फैलाए हुए, इज स्प्रेडिंग इट्स बोथ आर्म्स, देख दिए कहाँ फैलाए हुए हैं। अब लिख दो इन द ईस्ट एंड द ईस्ट, इन द ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में, इन द ईस्ट एंड वेस्ट फैलाए हुए हैं अपने बाहों को।
उसके बाद लिखते हो एंड गिविंग, एंड गिविंग अस और हमें दे रहा है, एंड गिविंग अस क्या दे रहा है, अभयदान। अभयदान के अंग्रेजी तो गिफ्ट ऑफ फियरलेस, गिफ्ट ऑफ फियरलेस, इस तरह से हो जाएगा। अपनी दोनों बाहों को फैलाए हुए, पूरा उत्तर पूर्व और पश्चिम फैलाए हुए और हमें अभयदान दे रहा है, क्लियर। तो मतलब हो गया बाहों को फैलाए हुए अभयदान दे रहा है, उसको दो भागों में बांट दो, थोड़ा थोड़ा कर दो, क्लियर। ठीक, मतलब उत्तर पूर्व और पश्चिम अपने दोनों बाहों को फैला हुए दे रहा है, मतलब फैला हुए और दे रहा है, क्लियर हो गया। गिफ्ट ऑफ फियरलेस माने होता अभयदान, ठीक ठीक है। अगर अभयदान आप भूल जाना, एक दूसरा शब्द बता दें गिफ्ट ऑफ फियरलेस ना कर पाओ तो अमनेस्टी कर सकते, AMNESTY, ठीक है ना, उसको भी कर सकते हो, क्लियर। अगला तो अभय मतलब फियरलेस, जिससे डर ना, गिफ्ट मतलब दान में देना, उपहार में देना, गिफ्ट ऑफ फियरलेस माने अभयदान। अब आगे लिखो आप, बर्फ से ढकी पर्वत मालाएं, क्लियर, बर्फ से ढकी पर्वत मालाएं। तो हाँ, तो इसको मतलब कि विशाल नदियां, हरे भरे चरागाह, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, गहन दिन चिलचिलाती धूप, तो रात की शीतल चांदनी, इन सब ने भारतवर्ष को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया, ठीक है। तो बर्फ से ढकी पर्वतमाला लिखो, स्नो कवर्ड, थोड़ा थोड़ा करो, सेंटेंस बहुत लंबा है, टेंशन ना लो, धीरे धीरे बनाओ, सब सही हो जाएगा। द स्नो कवर्ड माउंटेंस, पर्वतमाला एक मतलब है माउंटेन, माउंटेन रेंजेज पर्वतमालाएं होती हैं, क्लियर, माउंटेन रेंजेज आप पढ़े थे ना कक्षा 10 में, पर्वतमाला माउंटेन रेंजेज, RANGES, क्लियर, या माउंटेन्स भी कह दोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली, क्लियर। उसके बाद विशाल नदियाँ, तो कामा करके लिखो लार्ज रिवर्स, लार्ज रिवर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स कह दो या माउंटेन रेंजेज भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लार्ज रिवर्स माने विशाल नदियाँ। उसके बाद हरे भरे चरागाह, तो ग्रीन मीडोज, ग्रीन मीडोज माने हो गया हरे भरे चरागाह। बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, क्लियर, तो लिख लो द डेजर्ट, द डेजर्ट रेगिस्तान के होता है डेजर्ट, DESERTS, डेजर्ट। कवर्ड विथ सीट ऑफ सैंड, सीट माने चादर, SESEET, सैंड माने बालू, कवर्ड विथ सीट ऑफ सैंड, कवर्ड मतलब बर्फ की चादर से ढका हुआ या ओढ़े हुए एक ही हुआ, कवर्ड विथ सीट, SESEET, सीट ऑफ सैंड, सीट माना होता है चादर, आप कहते हो बेड सीट, बेड सीट डाल दो मतलब बिस्तर पर चादर डालते हैं बेड के ऊपर, क्लियर, तो चादर, ठीक है ना। तो बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान के अंग्रेजी हो गया, हाँ डेजर्ट कवर्ड विथ सीट ऑफ सैंड, कवर्ड में आप क्लाइड भी लिख सकते हो, क्लाइड माने भी पहने हुए, ठीक है, या ओढ़े हुए, एक ही चीज है, क्लियर। SANDY सैंड माने होता है बालू, हो गया। गहन जंगल, गहन जंगल मतलब डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, डीप से नहीं मतलब है, डेंस, डेंस फॉरेस्ट। दिन में चिलचिलाती धूप, क्लियर, चिलमिलाती धूप, तो चिलमिलाती का मतलब कि आप इसको चाहे साइनिंग कर दो चाहे हार्ट कर दो, क्लियर, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, साइनिंग सनशाइन या हार्ट सनशाइन दोनों चलेगा। इन द डे, हॉट सनशाइन इन द डे या शाइनिंग सनशाइन इन द डे, चमचमाती धूप या चिलचिलाती धूप एक ही चीज है, क्लियर, या गर्म धूप। इन द डे, तो रात में चांद की शीतल चांदनी, तो इसको एंड से ही आप जोड़ दो, भले तो से किया है क्योंकि ये फॉर वेन का कोई मतलब नहीं है, तो बात को जोड़ कर ही बताना। एंड रात में चांद की शीतल चांदनी, एंड कूल मून लाइट इन द नाइट, एंड कूल मून लाइट, शीतल चांदनी के लिए कूल मून लाइट इन द नाइट, क्लियर हो गया, चांद की चांदनी हो गया, मून लाइट इन द नाइट मतलब रात में। इन सब ने भारतवर्ष को, ठीक है, प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया, क्लियर। इन सब ने कहेंगे ये अभी नहीं लिखे हो ना, तो लिख दो आल दीज, ठीक है, आल दीज, थोड़ा काम करके जैसे तो आल दीज,
भारतवर्ष को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया, तो पहले लिखो बना दिया, इन सभी ने क्या किया बना दिया, हैव मेड, बिल्कुल लिख दो हैव मेड इंडिया, भारत को बना दिए हैं, हैव मेड इंडिया, किसको बनाया है भारत को बना दिए, क्या बनाया है प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन, तो आप इसको लिख दोगे द बेस्ट, श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा है, बेस्ट द बेस्ट प्ले ग्राउंड ऑफ नेचर, द बेस्ट लीला निकेतन माने प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, क्लियर, द बेस्ट प्ले ग्राउंड ऑफ नेचर, क्लियर, द बेस्ट प्ले ग्राउंड ऑफ नेचर, इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ऐसे ट्रांसलेशन अपना मजबूत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।